कि इस पार्टी ने पिछले 9 साल में भारतीय सेना की ऐसी की तैसी कर दी। जितनी बेकदरी इन्होंने भारतीय सेना की है, 13 लाख की फौज है इस देश में, मुझे नहीं लगता कि 13 लाख की फौज भारतीय जनता पार्टी को अब कभी भी सपोर्ट करेगी। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने एक ऑडियो सुना और ऑडियो में जिसकी आवाज है वो है एक साइड से कर्नल मुकुल देव और ये है सेना से रिटायर्ड है और जैक ब्रांच में आप समझ सकते हो जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जो आर्मी की एक लीगल ब्रांच है जहां बहुत सारे आर्मी के केसेस और ह्यूमन राइट्स को ये हैंडल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं कर्नल मुकुल देव साहब हैं। और दूसरा पक्ष है जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और उनकी ऑफिस से उनका कोई प्रवक्ता इनसे सीधी बात कर रहा है कि आप बीजेपी को किस तरह सपोर्ट करना चाहते हो, ग्राउंड में किस तरह करना चाहते हो और सोशल मीडिया पे किस तरह करना चाहते हो। और फिर साहब ने इनकी बाट लगाई है, बाट खुले चैलेंज से बाट लगाई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से बात कर रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से मैं भाजपा परिवार में आपका स्वागत। मेरा नाम कर्नल मुकुल देव है। आप बीजेपी पार्टी को जी किस तरह से समर्थन देना चाहेंगे, मतलब ग्राउंड लेवल पे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू या फिर दोनों तरीके से? आप किस तरह का समर्थन चाहते हैं मुझसे बताइए। जी हम तो हर तरीके का चाहते हैं कि आप ग्राउंड लेवल से भी समर्थन दें और सोशल मीडिया के थ्रू भी दें। देखिए, समर्थन देने की बात तो ये रही बीजेपी पार्टी को कि इस पार्टी ने पिछले 9 साल में भारतीय सेना की ऐसी की तैसी कर दी। जी, कोई भी सैनिक मुझे नहीं लगता कि अब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा। हम सब ने भारतीय जनता पार्टी को आज से 9 साल पहले सपोर्ट किया था ये सोच के कि ये देश के हित में काम करेगी और ये देश की सेना को मजबूत करेगी, लेकिन सिवाय ऑटो ऑप्स करने के, लड्डू खिलाने के दिवाली के दिन, भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय सेना का बहुत निश्चित तौर पे नुकसान किया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सच्चा सैनिक भारतीय जनता पार्टी को कभी भी अब सपोर्ट करेगा। क्या कहा है आपने, सेना की ऐसी की तैसी कर दी है। आपने ओआरओपी के नाम पर सैनिकों को जंतर मंतर पर बिठा रखा है। आप तो ओआरओपी खा गई बीजेपी। आपने सेना के अंदर जेसू जवान अधिकारियों में भेदभाव पैदा कर दिया है। आपने सेना को कमजोर किया है। कोई भी सैनिक आपको वोट नहीं देगा, चाहे वो 13 लाख सैनिक हो, चाहे उसका एक्स सर्विसमैन हो, उनका परिवार हो, क्योंकि आपने सेना को मुद्दा बनाया और आपको नहीं दिखाई दे रही देश की बेरोजगारी, दिखाई नहीं दे रही भुखमरी, नहीं दे रही आपको महंगाई, नहीं दे रही आपको शिक्षा व्यवस्था, नहीं दे रही आपको चिकित्सा व्यवस्था, नहीं दे रही और आपको किसान मजदूर गरीब कुछ दिखाई नहीं देता है। आपको सिर्फ दिखाई देती है तो सेना और उसको लगातार आप कमजोर करते जा रहे हो। उन्होंने कहा है कि आप भले भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी है, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। आप इस ऑडियो को सुनिए, इतना करेज दिखाकर एक देसी भाषा में, देसी अंदाज में पहले अपना परिचय देते हैं, फिर उनसे सारी बातचीत होती है और फिर उनकी बाट लगाते हैं। और ये बाट लगाने का समय आ गया है, यानी किसी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा है हमारे लिए देश पहले है, सबसे बड़ी बात कही देश की सेना सबसे पहले। आपने ये बात, ये चीजें सोशल मीडिया में भी पढ़ी होंगी, देखी भी होंगी, जो कुछ चल रहा है जंतर मंतर पे हमारे साथी बैठे हैं इतने महीनों से चिल्ला रहे हैं, एक झूठ फैला दिया कि ओआरओपी दे दी फौज को, जबकि सब कुछ झूठ है और उस झूठ को इस कदर प्रचारित किया जा रहा है कि जैसे वो सच है, जबकि वो सच नहीं है। जी जी, ठीक है। हमारे बीच में, हमारे अफसरों के बीच में हमारे जेसीओ और जवानों के बीच में खाई पैदा कर दी ये बता के कि अफसर सारा पैसा खा गए, जबकि पैसा तो भारतीय जनता पार्टी खा गई। मैं किस तरह से आप मुझसे सपोर्ट की अपेक्षा करते हैं ऐसी पार्टी के लिए? मैं ही नहीं, कोई भी सच्चा सैनिक जो इस देश का होगा वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। हमने अपनी जान गंवाई है, 35 साल हमने अपनी फौज को दिए हैं, इस 35 सालों में हमने किस कदर कठिनाइयों का सामना किया है देश की रक्षा करते हुए हम अच्छी तरह से जानते हैं, और उसका सिला हमें भारतीय जनता पार्टी ने ये दिया। मैं ये किसी हालत में नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी अच्छी है या आप पार्टी अच्छी है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, ये देश का फायदा या देश की सेना के हित में नहीं है। मैं किसी भी हालत में ये नहीं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है या कोई भी एक्स वाई जेड बहुत अच्छी पार्टी है, नहीं, मैं कदापि ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन आपने मुझसे ये पूछा कि कैसे है मैं सपोर्ट करूंगा भारतीय जनता पार्टी को, तो ये मेरा उत्तर है इस बारे में। और हम फौजी, हमारा यही कर्तव्य है, बाकी राजनीति आप करो।
इसको कमजोर करोगे या इनका इस्तेमाल करोगे तो हम बोलेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं उन्होंने जो बोला है, इतनी ऑडियो के बाद मैं बता सकता हूं कि आप समझ सकते हो कि सेना को किस तरह डिग्रेड किया जा रहा है, सेना का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। नई नई ऐसी चीजें सेना में डाली जाती हैं कि किसी सेना के अधिकारी से पूछा नहीं जाता कि आखिर इसका इंप्लीमेंट सेना को फायदा है या नुकसान है। सेना के अंदर एक यूनिट के अंदर जो लोग जानते हैं वो सेना के बाहर वाले लोग क्या समझ सकते हैं? आप समझ सकते हो सेना के अंदर जो बाहर हमेशा स्टाफ ड्यूटीज में रहा है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे जवान हो, जब तक उसने यूनिट में सर्विस नहीं किया है, जब तक वो तीन टाइप के फॉलन अटेंड नहीं किया, जब तक वो टेक्टिकल एक्सरसाइज नहीं किया, जब तक वो ग्राउंड में भूखा नहीं मरा है, जब तक वो रातों में जगा नहीं है, जब तक वो बॉर्डर पर गया नहीं है, उसको कागजों पर अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि कितनी तकलीफें आती हैं कागज पर लाइन खींचने से, मैप पर प्लानिंग करने से, ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करने में कितनी जान निकलती है, पूरे का पूरी ताकत निकलती है 24 घंटे में, बंदा निचुड़ जाता है तब उसको अमली जामा पहना पाता है, कितनी चीजें चेंज करनी पड़ती है रैपिडली। आप समझ सकते हो कि सेना का काम इतना आसान नहीं है, लेकिन ये बाहर से बैठ करके सेना के अंदर सेल्फी पॉइंट की बात कर देते हैं, जवान छुट्टी जाएगा जाकर के सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार की बात कर देता है, अग्निपथ योजना का भविष्य में क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन वर्तमान में इसके जो जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं, जितनी रिपोर्ट्स आ रही है, वो सेना के हित में नहीं है। एक सैनिक होने के नाते जो भी कर्नल मुकुल साहब ने कहा है, मैं उन्हें सल्यूट करता हूं, जबरदस्त जवाब दिया है, और उन्होंने सेना की सभी सैनिकों की विचारधारा की बात की है कि जो सच्चा सैनिक होगा, जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं, वो पहले देश के लिए सोचता है। और देश की बात बिल्कुल कही है कि जंतर मंतर पर भी आप समझ सकते हो कि वहां लोग इतने दिनों बैठे, उन्होंने वो आरोपी की बात को लेके कहा कि आपने सब कुछ अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके लोगों में खाई पैदा कर दी। आप इस ऑडियो को सुनना है और सब में शेयर करना है, जगाना है और जागना भी है दोस्तों। धन्यवाद।